हेलो फ्रेंड्स, इसके कुलिनरी आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नेपाल की फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोमोज। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और जो लोग मेरी चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोमोज की रेसिपी। देखिए, मोमोज की स्टफिंग के लिए मैंने एक कैबेज ले लिया था, आधा कैबेज लिया है, एकदम बारीक एकदम ग्रेट किया हुआ है, और एक कैरेट लिया है, और आधा शिमला मिर्च लिया है, और एक कप मैदा लिया है, उसको पहले बाइंड करना है। मैदा में थोड़ा सा नमक दे रहा टेस्ट के अनुसार, और ऑयल भी दे रहा 2 टीस्पून ऑयल दिया, क्योंकि इसको अच्छा से बाइंड करना होगा। अच्छा, एकदम सॉफ्ट नहीं, हार्ड भी नहीं, मीडियम डो बनाने होगा। थोड़ा पानी देगा। देखिए, डो बना लिया, अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट रख देगा। देखिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं हुआ, बहुत हार्ड भी नहीं है, अभी ढक दे रहा। स्टफिंग के लिए एक एक करके सब्जी लेना होगा। पहले मैंने गोभी ले रहा, एकदम बारीक करके काटा है। फिर गाजर ले रहा, और कैप्सिकम, इसको थोड़ा नमक देके अच्छे से मिक्स करना होगा। आधा चम्मच नमक लिया, इसको नमक देके इसको अच्छे से मिक्स करके रख देने का 10 मिनट के लिए। फिर इसमें से पानी निकलेगा, पानी को निचोड़ के फेंक देने का। देखिए इसमें कितना पानी निकल गया, नमक दिया था इसमें थोड़ा पानी हो गया। इसको एक तो वाइट कपड़ा लिया है, इसमें पूरा पानी निचोड़ना है। देखिए इसमें पूरा पानी ऐसे करके निकालना होगा। इस बर्तन को धो के सुखा लिया, अभी इसको पानी निकाल के इसमें फिर स्टफिंग को मिलाना है सब मसाला। पूरा पानी निकाल दिया, एकदम पूरा ड्राई कर दिया। अभी इसमें थोड़ा प्याज एकदम बारीक करके काट के रखा था, 1 टो प्याज उसको भी देना है। ग्रीन चिली 3 पीस लिया था, उसको भी बारीक काट के रखा है। अच्छे से मिलाना होगा इसको। मैं गैस चालू किया, तो पैन रख दिया है, और 1 टीस्पून जैसे ऑयल लिया। देखिए, 1 टीस्पून लहसुन लिया ग्रेट करके, उसको थोड़ा फ्राई करके देना है, क्योंकि कच्चा लहसुन का बास आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। कच्चा भी ले सकता है, जिसको हम मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कच्चापन दूर करके फिर उसमें डालेगा। देखिए, फिर अभी इसमें मिक्स कर देना, थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लिया, एकदम लाल भी नहीं किया।
धनिया पत्ता भी दे देना, अगर स्प्रिंग ऑनियन रहे तो वो भी दे सकता है, वो अच्छा लगता है। मैंने इसका टेस्ट को और थोड़ा अच्छा करने के लिए एक क्यूब चीज़ का ग्रेट करके रखा, वो भी दे देना। एकदम इसको अच्छे से मिक्स करना होगा, अगर स्टफिंग अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। चीज़ इसलिए चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, पर इसको टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। वेज मोमो का चीज़ देने से ना उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर दे दिया, अभी इसको ठीक से एकदम मिक्स करना होगा। इसे पतला पतला करके बेल लेना होगा। देखिए इसमें स्टफिंग दे देगा थोड़ा थोड़ा, पर स्टफिंग तो थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि स्टफिंग अच्छा रहेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। इसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड करने का, देखिए जैसे मोदक बनाता है वैसे करके बनाने का, ऐसे करके होगा। कैसे भी डिज़ाइन कर सकता है, बहुत सारा डिज़ाइन होता है। देखिए ऐसे बनाने का, देखिए ऐसे करके स्टफिंग बनने का, जैसे पतला करके बेल लिया, स्टफिंग दे दिया। ऐसे करके इसको सब क्रीज करने का, देखिए पूरा मुंह उसको बंद कर देने का। ऐसे करके प्लेट बनाने का, देखिए फिर सबको मुंह एक साथ जोड़ के लेना है। ऐसे देखिए कितना सुंदर हो गया। देखिए पानी रख दिया है और इसे एक तो नेट रख दिया है, इसके ऊपर मोमो रखना है। पानी को गर्म करने दिया, थोड़ा उबल जाए फिर मोमो रख देगा। ऑयल ग्रीस कर देना होगा इसमें, देखिए सब मोमोज रख दिया। अब इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। देखिए ऐसे रख दिया, फिर इसको ढक दिया, 10 मिनट्स के लिए रख देते हैं। देखिए 10 से 12 मिनट हो गया, अभी थोड़ा देखता हुआ कि नहीं। देखिए पूरा स्टीम हो गया है, अभी गैस को ऑफ करती हूँ मैं। और ठंडा होने से आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए खाने के लिए अभी तैयार हो गया।
रेडी टू ईट, बहुत ही अच्छा हुआ है। और आप लोग भी बनाइए, फिर कमेंट कीजिए। और ये सॉस के लिए मैं जो मोमो सॉस रखा है मैंने घर में बनाया है टमाटर और मिर्ची से। अगर आप लोग को चाहिए ये रेसिपी तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।